गाइस, मैंने आपको कहा था ना अभी कि हमने जो है वो आज रूम चेंज किया, हम दूसरी जगह पे शिफ्ट हुए, तो इसलिए अभी खैर हम अपने रूम में आ गए। और अब पता है गर्मी इसलिए कि वो हीटर चला हुआ है जो एसी के अंदर, इन्वर्टर पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, देखिए मुझे नहीं पता, फर्स्ट टाइम मैं इस तरह देख रही हूँ एसी का। तो पता है ये हमारा छोटा छोटा सामान था, ये देखिए म्यूज़िक था ये, और ये हमने फ्रूट्स लिए हैं, और ये हमने लिए हैं यहाँ पे मूंगफली, अखरोट और मौसम के हिसाब से इसको किशमिश भी कहते हैं, सुंगी भी कहते हैं। और ये आज रात का इंतज़ाम हो गया हमारा, ठीक है, इस पे लगेगा फुल म्यूज़िक और हम थोड़ा माहौल को चिल करेंगे। जाहिर है इतनी दूर हम लोग माहौल को चिल करने आते, ये हमारा पानी हो गया, ये हमारे पास आ गई स्ट्रिंग, और ये नमक भी है। नमक तो वैसे घर से प्राइड ले रहा, वैसे एस्ट्रे रूम की तरफ से रखा हुआ है। हाँ, आपको मेन दिखाती है, देखें माशाल्लाह से मास्टर बेड है जो इसका, ये मतलब इस पर इतना साफ सुथरा, तो आपको पता है होटल्स के होते नहीं है, लेकिन ये कलर बहुत अच्छा था तो मैंने ब्लू चुन लिया। और जो मेरे सब भाभी हैं उनका दूसरा रूम है, तो आपको पता है आप सारी फैमिली को तो हम लोग नहीं दिखा सकते यूट्यूब में, तो मैं अपनी इस फैमिली को नहीं दिखा सकती अभी। और उसके बाद उनके पास है ग्रीन कलर का, वो भी मैं आपको वीडियो में, अगली वीडियो में दिखा दूंगी, ठीक है। लेकिन ये बहुत अच्छा रूम था। और ये इसका था सोफ़ा, और ये बेड की थी साइड टेबलें जो कि मैं वाई को यूज़ में नहीं आई अभी। और ये देखिए ये ब्लू कर्टन है, और ये है इनका छोटा बेड, ये इनके ब्लैंकेट है जो मुझे तो अभी पसंद नहीं आ रहे, रात को सर्दी में शायद अच्छे लगे। ये इनका छोटा बेड है, पता नहीं चूहे ना हो, रात वाले रूम में तो चूहे थे। खैर इनकी भी हालत बस अल्लाह ही हाफिज है। आपको पता है दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं टूरिस्ट। और हाँ, मेन बात ये थी गाइस के जो रात हमारे पास रूम था, मैंने आपको दिखाया था, उसका रेंट भी 5000 था आउट ऑफ सीजन, और इसका भी आउट ऑफ सीजन 5000 है। उसमें मतलब इसमें तो वैसे तो तीन बंदों की जगह उन्होंने बनाई है, लेकिन इसमें भी आप 10-20 लोग आराम से रह सकते हो, अगर एक्स्ट्रा मैट्रेस लगवा लें और उसमें भी। लेकिन ये किराए का डिफरेंस है, अगर आप लोग गर्मियों में आएंगे तो यही रूम आपको 10 से 15 हज़ार के दरमियान पड़ेंगे, और अगर आप लोग सर्दियों में आएंगे तो यही रूम आपको 5000 में, मतलब 5-6 हज़ार में इजीली मिल जाएंगे। अब जब भी आए, आउट ऑफ सीजन आए, सर्दियों में आए, आपका बजट भी सही रहेगा और यहाँ शोरगुल नहीं होगा, सुकून से आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप गर्मियों में आएंगे तो यहाँ रश बहुत होता है, आप फैमिली के साथ इंजॉय नहीं कर सकते और वो आउट ऑफ बजट हो जाता है, ठीक है मामला। तो आप जब भी आए इस मौसम में आ जाए, मतलब जब आउट ऑफ सीजन है। तो गाइस ये हमारा रूम का टूर हो गया था, तो उसके बाद हाँ सच ये देखें गाइस, ये भी हमारे फ्रूट्स जो हैं, ये रात वाले बचे हुए हैं अभी तक, बहुत कुछ इसमें रात कर दिए हमने दोपहर को वहां से, मतलब इंतजाम कर लिया है कि रात वाला हमारे साथ कोई सीन ना हो, जैसे रात को मुझे बहुत भूख लगी थी। खैर ये रूम मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, तो मैंने दिन के ब्रेकफास्ट वगैरह सब वीडियो आपके साथ शेयर की है, आज रात की जो हमारी यहाँ पे पार्टी होनी है और वो कैसे होनी है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगी। चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो अभी मैं करने लगी हूँ फिलहाल रेस्ट कुछ देर के लिए, रेस्ट इज द बेस्ट फॉर हेल्थ। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।